हैं? लग रहा है अच्छा लग रहा है इनको देख के, अभी मिलेंगे, अभी नहीं, फ्री में नहीं, पहले शांति बनाओ। तो नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नागरिकता कानून को लेकर उपद्रवियों के आग लगाते हुए वीडियो आपने देखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी देखा, पुलिस वालों को पीटते भी देखा, और तो और कुछ पुलिस वालों को भी देखा जिनकी तारीफ हर तरफ हो रही। ऐसी एक पुलिस वालों की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये वीडियो इटावा के SSP संतोष मिश्रा की है, जिसमें वो स्कूल के बच्चे को प्यार से समझा रहे थे कि विरोध नहीं करना है। तो ये जितने भी हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत के किसी भी नागरिक को, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर मोहम्मद। ताहिर, किसने कह दिया कि कहाँ जाना है, यहीं रहना, पढ़ना भी है, स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, किसने कर दिया कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद, यहीं रहना है, यहीं पढ़ना है, और ये पीछे देखो इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है। ये वीडियो इटावा के SSP संतोष मिश्रा की है, जिसमें वो स्कूल के बच्चे को प्यार से समझा रहे थे कि विरोध नहीं करना है, और उनका ये वीडियो वायरल भी हुआ। अब आपको SSP संतोष मिश्रा का थोड़ा परिचय भी दे देते हैं। इटावा के SSP संतोष मिश्रा बिहार के पटना से। 2012 IPS बैच के ऑफिसर संतोष मिश्रा ने 2011 में US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ समाज के लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने 50 लाख का पैकेज छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास कर लिया। उनकी पहली पोस्टिंग अमरोहा जिले में थी। अब फिर से इटावा के इस SSP की काफी चर्चा हो रही। दरअसल CAA विरोधियों को ये प्यार से समझा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इटावा के SSP के दोनों वायरल वीडियो। हमारे शकील भाई ये हैं, लग रहा है अच्छा लग रहा है इनको देख के, अभी मिलेंगे, अभी नहीं, फ्री में नहीं, पहले शांति बनाओ। तो ये आप सभी ध्यान दें, ये नए बच्चे हैं, आप लोग हैं, ये भी पुलिस में है, मैं भी पुलिस में हूँ, कौन कहाँ जा रहा है, और तगड़ा होते जा रहा है, और तगड़ा और जगह घेरते जा रहा है। तो कौन अफवाह ये फैला रहा है कि फलाना को जाना है, ढिमकाना को जाना है, यहाँ तो और तगड़े होते जा रहे हैं। तो आपने मिसाल सही देनी है, आपने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके इस तरीके से पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती होना है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो बनना अपने बच्चों को बनाओ, सभी बच्चों को, कोई भी गुमराह ना करे, कोई अफवाह में मत ध्यान दो, आपका भविष्य इधर होना चाहिए। ये मोहम्मद शकील भाई है सब इंस्पेक्टर, ये आपका भविष्य होना चाहिए, ना कि धरना प्रदर्शन पत्थर फेंकना। किसी को कोई शक है, किसी को कोई भ्रम है, मुझसे बात करे, इमरान भाई से बात करे, शकील भाई से बात करे, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले, ना किसी अफवाह में ध्यान दे। ये मेरी बात आप सबसे गुजारिश रहेगी। आज भी कितने बजे नमाज आज पढ़ेंगे? 1:45 बजे। सब कुशल नमाज को संपन्न कराइए। नमाज होने के बाद में किसी को भी लग रहा है कि नहीं मुझे इस बिल के बारे में और जानकारी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मोहम्मद इमरान भाई आपको इसके बारे में जितनी जानकारी चाहिए सब बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने सुनिश्चित करना है कि कानून व्यवस्था जनपद इटावा में किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ईद भी बनी है, दिवाली भी बनी है, बकरीद भी बनी है, दशहरा भी बना है इटावा में, उसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आपने ये भी चीजें निपटानी है, और कोई भी अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ाई से करना है। ये भी ध्यान रहे, कुछ गलत लोग, आप लोग दो लोग भी सड़क पे निकलेंगे, गलत लोग उसका फायदा उठा के कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं, खामुखा मुकदमे लिखे जाएंगे, कार्रवाई होगी, नौकरी में दिक्कत होगी, आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। कोई मन में अगर दिक्कत है तो आप बात करिए मुझसे, इमरान भाई से बात करिए, शकील भाई से बात करिए, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना है। तो मैं उसी उम्मीद के साथ कि सकुशल आप यहाँ पे नमाज, यही रहना है सबने, याद रख, तुम यही रहेगा, तो कल भी यही रहेगा, अपना भी। तो ये जितने भी हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत के किसी भी नागरिक को, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर मोहम्मद। ताहिर, किसने कह दिया कि कहाँ जाना है, यहीं रहना है, पढ़ना भी है, स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, किसने कर दिया कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद, यहीं रहना है, यहीं पढ़ना है, और ये पीछे देखो इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है, मेहनत भी करनी है। तो कोई भी अफवाह फैलाए, कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे कि ये बिल आ गया, वो कानून आ गया, जिसमें इनको यहाँ निकाल देंगे, वहां निकाल देंगे, बिल्कुल अफवाह है, सब झूठ है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये कानून का सिर्फ एक ही मकसद है, जो
भारत के बाहर के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले लोग ही नहीं है उनके लिए कानून है, जो भारत के हैं, जो यहीं रह रहे हैं, इटावा में रह रहे हैं, उनको इस कानून से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके मतलब का चीज है ही नहीं। और तुमको तो खासकर नहीं घबराना, तुमने नाम बता दिया अपना, मेरे को याद रहेगा, ठीक है? चलता अब साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं, पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जीता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? और जिन दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है, ये इनके इरादे हैं, और कोशिशें पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो, आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो, अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से
पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी, ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता।